नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां एक बस गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें 16 आर्मी के जवान की मौत हो गई है। बता दें कि घटना पर भीड़ जुट गई और वहां मौके पर राहत और साथ ही बचाव कार्य शुरू किया गया। यह हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन में 15 किमी दूर जेमा इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेना के 3 वाहन सुबह जवानों को लेकर आ रहे थे और साथ ही इस दौरान जब सेना के जवान को लेकर वे जा रहे थे, ये काफिला चटल के थंगू की ओर जा रहा था, जहां जेमा के रास्ते में एक वाहन का चालक अचानक मोड़ पर आके खड़ी कर दी गाड़ी और इस दौरान ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और जहां पर वाहन नीचे खाई में जाकर गिर गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और इस दौरान बचाव अभियान शुरू किया गया। बता दें कि इस दौरान 4 जवान जो है वो घायल हो गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया है, जबकि 3 जूनियर कर्मी, बता दें कि कमीशनड अधिकारी जो है, 13 सैनिकों ने दुर्घटना में चोटें लगी है और जिन्होंने दम तोड़ दी है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की जान चली गई है, जिसके लेकर उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संत परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें शीघ्र स्वस्थ हुए होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह अटैक एक कार में हुआ है। साथ ही बता दें कि ब्लास्ट के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के मुताबिक यह ब्लास्ट इस्लामाबाद के IE-104 सेक्टर में हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी तक ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका था, तभी जोरदार धमाका हुआ है। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने नियमित जांच के लिए एक टैक्सी को रोका था, इसी दौरान एक टैक्सी में ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ, इसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग जख्मी हो गए थे। यह धमाका पेशावर की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ था। दिल्ली नगर निगम के मेयर और साथ ही डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आप ने दिल्ली में मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आपने डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। दरअसल बता दें कि MCD के मेयर पद के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने के लिए आज आपके PC की बैठक बुलाई गई थी। इसमें मंथन के बाद मेयर पद के उम्मीदवार के लिए शैली ओबरॉय का नाम पर मुहर लगाई गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने बता दें कि स्टैंडर्ड कमेटी के सदस्य के लिए अमिल मालिक, रविंद्र कौर, मोहिन जिनवाल और साथ ही सारिया चौधरी के नाम की घोषणा की गई थी। MCD के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। वही बता दें कि दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर और साथ ही सदन में स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव 6 जनवरी को होना है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने MCD के पहली बैठक में 6 जनवरी की तारीख तय की है। MCD में 250 सीटों से आम आदमी पार्टी के 134 सीट जीतकर बहुमत के आंकड़े पार कर लिया था, जबकि BJP 104 सीट की जीत सकी थी और अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के मौके पर लखनऊ के किसान सम्मान दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे सामने कई चुनौतियां थी। पिछली सरकारों के किसान विरोधी सोच के कारण किसान खेती से पलायन करने के लिए मजबूर था। जो लोग खेती करने के लिए मजबूर थे वो कर्ज तले इतना दबे हुए थे कि इसके सामने आत्महत्या का एकमात्र विकल्प बचता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर ऑडिटोरियम हॉल में पहुंचे हैं और साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव और साथ ही मैनपुरी संसदीय सीट की सदन डिम्पल यादव भी शामिल हुई है। इस दौरान मैनपुरी सांसद बता दें डिम्पल यादव ने अपनी जीत के लिए मैनपुरी की जनता का आभार जताया है। डिम्पल यादव चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में संबोधित कर रही है। वहीं शिवपाल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सरकार उत्पीड़न कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार किसान के लिए काल का काम कर रही है। यूपी पंजाब आदि के चुनाव के कारण किसानों के खिलाफ लाए गए 3 काले कानून को वापस लिया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया कर रही है। बता दें कि चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही बता दें कि इस दौरान उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी उनके साथ मौजूद रही हैं और साथ ही बता दें कि इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साथ ही बता दें कि चौधरी चरण सिंह की जयंती थी और इसको लेकर लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिलेश यादव वहाँ पे मौजूद थे और इस दौरान बता दें कि उन्होंने लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही तमाम बीजेपी की बातों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। रामपुर में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और साथ ही ताजीम फतिमा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हैं। वहीं बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज कोर्ट ने गवाहों की पेशी हुई है। कल कोर्ट ने आजम खान और साथ ही अब्दुल्ला आजम तलब को इसके लिए तलब किया था। साथ ही कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिया था। बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान के और साथ ही ताजीन फतिमा भी आरोपी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री आपको बता दें कि दिनेश शर्मा बागपत पहुंचे हैं। साथ ही बागपत के आपको बता दें कि खेकड़ा स्थित बालाजी आश्रम में दर्शन कर महंत भैया दास जी से मिले हैं और वहीं वहां बता दें कि राष्ट्र वंदना चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बुढ़ाना होते हुए मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए हैं।
इटावा में आपको बता दें कि इटावा में थाना एकदल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए के अधिक कीमत की अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सख्ती देखकर चालक परिचालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। बरामद शराब चंडीगढ़ से यूपी में अवैध तरीके से तस्करी के लिए लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस और आबकारी विभाग की टीम शराब को कब्जे में लेकर शराब माफियाओं को ढूंढने में लगातार जुट गई है। फतेहपुर में हाईवे पर 3 ट्रक और आपस में टकराने से 4 लोगों के फंसे होने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 घायल को बाहर निकाला है। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी की क्राइम हिस्ट्री खोली है। साथ ही बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और साथ ही मऊ के विधायक अब्बास अंसारी के मोहम्मदाबाद थाने में क्राइम हिस्ट्री शीट खोली है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी पर गाजीपुर, मऊ और साथ ही लखनऊ के संगीन अपराधियों पर कई केस दर्ज है। खुलासा स्थानीय पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर को किया गया था। उस समय 2 अभियुक्त इसमें भेजे गए थे, लेकिन इस घटना में पिस्टल भी गया था। उस घर में DVR CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसका DVR भी गायब था तथा मृतका के मोबाइल फोन भी गायब थे। मृतका का जो पति था वो निरंतर ये मांग कर रहा था कि मेरी लूटी गई पिस्टल और ये सब प्राप्त होनी चाहिए। पुलिस निरंतर इसमें प्रयासरत थी। कल कोतवाली पुलिस और हमारी जो SWAT SOG की टीम है, इनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसमें जो उनका सहयोगी था पीलीभीत के थाना माधोटांडा के इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पहले एक महिला ने हवा में राइफल तान दिया और उसके बाद से एक युवक फिल्मी अंदाज में गाना गाते हुए फायरिंग करने रहा था। वहीं वीडियो माधोटांडा इलाके के एक ग्रामीण के घर बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। पार्टी के दौरान एक युवक और साथ ही युवती ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं और साथ ही राइफल से फायरिंग कर दी। घटना के बाद से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसके बावजूद भी सक्रिय होने का दावा करने वाली माधोटांडा थाना पुलिस को घटना की जानकारी नहीं हो सकी है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चर्चा में है और इलाके के एक सिपाही को इस मामले की जानकारी नहीं है। साथ ही बता दें कि लेकिन मामला कुछ खास लोगों का होने पर इसे दबाने की कोशिश भी लगातार पुलिस की तरफ से करने का आरोप लगाया जा रहा है। शारिंग का मामला आ रहा है माधोटांडा क्षेत्र में, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, माधोटांडा क्षेत्र में ये एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें व्यक्ति हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को तत्काल संज्ञान में ले लिया है और माधोटांडा थानाध्यक्ष को इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पूरी जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद इसमें जो भी सच्चाई निकल के आएगी उसके आधार पर हम लोग इसमें आज कार्रवाई करेंगे। अब खबर सीतापुर से है, जहां पर उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर नायब तहसीलदार और साथ ही खाद्य विभाग टीम ने ऑयल मिल पर छापेमारी की है और जहां पर भारी मात्रा में ऑयल बनाने की सामग्री बरामद की गई है। संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान कुछ केमिकल युक्त सामग्री मौके पर जब्त भी किए हैं।
अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि श्रावस्ती पुलिस को ये सफलता हाथ बड़ी मुश्किल से लगी है, जहां बता दें कि शातिर जो गैंगस्टर है वो अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। तलाशी के दौरान एक अदद 12 बोरी देसी तमंचा और साथ ही 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे शातिर गैंगस्टर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और साथ ही गिरफ्तार आरोपी को आर्म्स एक्ट में मामले में दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद के टुंडला में आज जैन समाज बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाला है। दरअसल केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा शिखर सम्मेलन पर्वत को पर्यटन स्थल बनाए रखने जाने को लेकर जैन समाज लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर जैन समाज यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और भारी संख्या में एकजुट होकर मौन जुलूस इन्होंने निकाला है। जैन समाज के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि जैन समाज के लोग शिखर संवेद पर्वत को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं, जिसको चलते लगातार हो रहे पूरे देश में विरोध प्रदर्शनी, वही जैन समाज इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए कई जगहों पर नजर आया है। और ये फिरोजाबाद की तस्वीर है जहां पर जैन समाज ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। बिजनौर के थाना नूरपुर परिसर में पालिका सदस्यों, ग्राम प्रधान की बैठक और उप जिला अधिकारी रीतु चौधरी और साथ ही सीओ बता दें कि सुनीता दाहिया के नेतृत्व में आयोजित की गई है। बता दें कि एसडीएम रीतु चौधरी ने कहा है कि पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही बैठक के दौरान मौजूदा सीओ सुनीता दहिया ने थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए फेरी आदि की आड़ में घूम रहे, बता दें कि संदिग्ध पशुओं को पकड़ने का आदेश दिया है और साथ ही उन पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। और साथ ही बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। और अब अगली खबर उन्नाव की बता दें आपको, जहां पर कोरोना को लेकर लगातार ये बता दें कि लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और खबर उन्नाव की है जहां पर चीनी समेत अनेक देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी पर स्वास्थ्य विभाग ने कर्मियों ने सतर्क है और साथ ही सीएमओ उन्नाव को निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले विशेष नज़र रखी जाए बाहर से आने वाले लोगों पर। साथ ही दूसरी तरफ पॉजिटिविटी मिलने पर जीनोम सिक्वेंसिंग सैम्पलिंग के लिए किन नमूनों को लिया जाएगा इसकी योजना बना ली गई है। बता दें कि सीएमओ के अनुसार जिनका सीटी वैल्यू 25 से नीचे और साथ ही टेबल हिस्ट्री होगी उन्हीं के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। आगे जैसा ही अफसरों का आदेश होगा उसका पलायन किया जाएगा। 1 दिसंबर के बाद से जिले में कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं मिला था, इसलिए जांच संख्या घटा दी गई थी। वही मई जून में प्रतिदिन 300 से 400 जांचें होती थी और इस समय इसकी संख्या घटकर 100 के अंदर आ गई है। विभाग का कहना है कि जब पॉजिटिविटी केस मिलने लगेंगे तो जाँच की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं अवैध भट्टे को ध्वस्त करने का मामला ये सामने आया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजेश एम के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिकरार प्रभारी प्रदीप कुमार दल बल के साथ कबूतरा डेरा सकरार पर छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर संचालित अवैध शराब की भट्टियों को जेसीबी के तहत आपको बता दें कि तहस नहस करते हुए लगभग 1000 लीटर
लहन नष्ट किया गया है। बता दें कि पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान कबूतरा डेरा के मौके पर रोमा पत्नी अमित कबूतरा को 44 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।